गर्मी और पसीने की वजह से बहुत ही ज़्यादा बालों में खुजली होने लगती है, बालों में इचिंग होने लगती है और उसके साथ साथ ही बाल बहुत ही ज़्यादा बेजान से रफ़ से दिखने लगते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर के एक बहुत ही बेहतरीन DIY रेमेडी जो आपके बालों को एकदम से स्मूथ सिल्की करेगा और बालों को एकदम से जो खुजली इचिंग की प्रॉब्लम है वो ख़त्म करेगा। तो आपको लेना है फ्रेश एलोवेरा, अगर आपके गार्डन में तो वहाँ से ले लीजिए, नहीं तो अगल बगल पड़ोसी से किसी से भी मांग करके एक टहनी ले लीजिए, ठीक है। अब उसको अच्छे से धो लीजिए, साफ़ कर लीजिए और साफ़ करके इस तरीके से आपको चाकू की मदद से उसके जो कांटे वाले पार्ट को हटा करके ऊपर का स्किन निकालिए और फिर चम्मच की मदद से इस तरीके से उसका पल्प निकाल लीजिए। पल्प को आपको डाल देना है ग्राइंडिंग जार में। अब यहाँ पे एक चम्मच डाल दीजिए कॉफ़ी पाउडर और आधा से थोड़ा सा कम नींबू का रस आप निचोड़ सकते हैं। अब इसको अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए, बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट बन करके तैयार हो जाता है। आप इसमें अपना पसंदीदा जो भी तेल लगाते वालों वो लगा लीजिए, दो चम्मच मिक्स कर दीजिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद बेहतरीन रेमेडी तैयार हो जाती है। आप इसको बालों के स्कैल्प पे लगाए, स्कैल्प में इचिंग और डैंड्रफ वगैरह की समस्या वो ख़त्म होगा, बाल एकदम ठंडा ठंडा फील होगा, खुजली की प्रॉब्लम ख़त्म होगी और उसके साथ साथ पूरे बालों की जड़ों पे भी अच्छे से मतलब जड़ों से सिरों पे लगा लीजिए। इससे बाल की रफनेस ख़त्म होगी, स्मूथ होगा। 30 मिनट तक छोड़ करके बालों को अच्छे से वॉश कर लीजिए, रिजल्ट देख करके आप चौंक जाएंगे, इतना बेहतरीन ये नुस्खा है। बाल एकदम से सिल्की शाइनी फ्रीजी फ्री रफनेस जो होता है बालों में वो ख़त्म हो जाएगा। वीक में इस रेमेडी को आप दो बार ट्राई करके देखिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ट्राई करें, वीडियो शो लाइक करें।